दो दिल मिले तो फूल खिले और दिल से निकले ऐसे में दिल से ऐसे में दिल से ऐसे में दिल से। कहा जाला कि इंसान जब से भाषा सिखलस तबे से संदेशा भी चलन में आए, आपन बात केहू और से कहे खातिर उ संदेशन के सहारा लिहलस। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं अपना खास शो एसएमएस दिल से। मैं हूँ आपकी अंकिता थपलियाल और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट चैनल महुआ प्लस में। दोस्तों, हम संदेशों की बात करते हैं तो ये सिलसिला बहुत पुराना है। मैं बात करूँ कई साल पहले की, बहुत पुरानी बात, जब राजा महाराजाओं के समय में दूतों का सहारा लेकर संदेश भेजे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। समय लगता था एक महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने या फिर सालों। और उसके बाद इसी रफ्तार को थोड़ा बढ़ाने के लिए पक्षियों का सहारा लिया गया। वो तो आपने सुना ही होगा, जा 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 कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। वक्त बदला, वक्त के साथ साथ संदेश भेजने के तरीके भी बदले, तार, टेलीग्राम, चिट्ठी। और अब तो अगर आपको अपने दिल की बात किसी से कहनी हो ना, अपने जज्बातों को हाले दिल किसी से कहना हो या फिर अपना गुस्सा ही किसी के सामने जाहिर करना हो तो वो चुटकी में हो जाता है या फिर कहीं सेकंड्स में हो जाता है, क्योंकि अब हम SMS के जरिए अपनी बात किसी से कह सकते हैं और वो भी बहुत कम समय में। हमारा शो भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ SMS का मतलब है सोल मीट सोल, आत्मा से आत्मा का मिलन। और चूंकि ये आवाज दिल से निकलती है तो इसीलिए SMS दिल से। इस शो में मैं आपसे करूंगी ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें, आपके भेजे हुए SMS को पढ़ूंगी, यानी आपके दिल की बात उनके दिल तक पहुंचाऊंगी। और इसी दौरान हम सुनेंगे बहुत खूबसूरत गीत भी। और इतना ही नहीं, यहाँ आप हमें ढेर सारे मैसेजेस तो करेंगे, यहाँ पर आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, यानी आप जो भी हमें मैसेजेस करेंगे उनमें से हम 10 बेस्ट मैसेजेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर उन 10 मैसेजेस में से जिनको हम सिलेक्ट करेंगे उनमें से कोई एक होगा मैसेज ऑफ द वीक। और जो होगा मैसेज ऑफ द वीक उसे मिलेगा महुआ प्लस की तरफ से एक शानदार उपहार। तो आइए करते हैं शो की शुरुआत और करते हैं कुछ दिल की बात। और हमारी ओर से आप सबके लिए ये खूबसूरत सी सौगात। तुहार मत वाली कजरा गजरा कान के बाली हो गोरिया चाल, तुहार मत वाली कजरा गजरा कान के बाली, लाली बिंदिया से निंदिया हराम हो गई, हराम हो गई, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गई, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गई। बाटे बोलिया मेराज सुन के लागे बड़ी लाज, बाटे बोलिया मेराज सुन के लागे बड़ी लाज, हमरा बेचैन दिल के आराम हो गई, आराम हो गई, राजा हमरो जिंदगिया गुलाम हो गई, राजा अखियां में
बात हो, दिल के सुकून मिलल आँखिया के सुख हो। हर एक धड़कन में बस तोहरे नाम हो गई, रानी हमरो जिंदगिया गुलाम हो गई, रानी हमरो जिंदगिया गुलाम हो गई। और अभी बताते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे चैनल को आप इतना प्यार करते हैं, महुआ प्लस को आप इतना प्यार करते हैं कि प्रोमोस दिखाने के दौरान ही हमें इतने सारे मैसेजेस आए हैं, इतना सारा प्यार आपका हमें मिला है। तो आइए करते हैं शो की शुरुआत और पढ़ते हैं आज का सबसे पहला मैसेज। और जो हमारे एसएमएस दिल से में आज का पहला एसएमएस है उसे भेजा है लक्ष्मी नगर दिल्ली से दिव्यांश ने। दिव्यांश ने लिखा है कि पिछले 3 सालों से मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और भी है। मैं चाहता हूँ कि वो उसे भूल कर मुझे ही प्यार करे, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा, कैसे उसे मनाऊं। दिव्यांश, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, आप निराश मत हो। हो सकता है कि वो आपसे ही प्यार करती हो, आपका शक गलत भी तो हो सकता है ना। एक काम करें, ऐसा करें कि आप उससे बात कीजिए, अपने दिल की बात उसके सामने तो रख के देखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप प्यार कर सकते हैं लेकिन आप किसी पर प्यार करने के लिए ना दबाव नहीं डाल सकते, फिर वो प्यार नहीं रहता है ना। तो रिलैक्स रहिए और अपने प्यार पर भरोसा जरूर रखिए। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना आपके और आपके प्यार के नाम। Oh,
बरखा दहिया पे बरसत रहे, साथ छूटे ना सातों जन्म ले कबो, तोहरे नावे का जवाए धड़कत रहे। जिंदगी के मजा सगरो पा जाई बुतू, हंस के बहिया में जहिया ना तो प्यार पर कोई जोर होता है और ना ही प्यार में कोई जोर चलता है, ये तो बस दिल से दिल मिलने की बात होती है, ये तो बस किसी पर दिल आ जाने की बात होती है। ये क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? दोबारा लूज शॉट को मैं भूल गया था एक्चुअली। जब भी ये जो बजर है ना, जब ये साउंड आएगा तो फिर आपको ये साइन है कि यहाँ पर आपको ब्रेक लेना है। अच्छा, यानी जब भी हम ब्रेक लेंगे तो ये घंटी ऐसे ही बजेगी। तो लीजिए, बज गई घंटी, चिंता मत करी, ई ब्रेक की घंटी है। ब्रेक के बाद भी आपके दिल से भेजल गई एसएमएस की सफर जारी रही। देखते रहिए एसएमएस दिल से। वेलकम बैक, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो एसएमएस दिल से में। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार में कोई बहाना नहीं चलता, लेकिन प्यार के लिए बहानों की जरूरत तो पड़ती है। वैसे भी प्यार भरे दिलों को बस बहाने की तलाश होती है दिलों की बातें करने के लिए। हालांकि कभी कभी ये बहाना भी भारी पड़ जाता है। हर रांची के सुमेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने हमें मैसेज भेजा है, उसमें लिखा है कि मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर वो मुझसे दूर हो जाते हैं। मैंने एक दिन उसे झूठ बोलकर किसी बहाने से बुलाया, मगर जब उसे इस झूठ का पता चला तो वो मुझसे नाराज़ हो गई और अब बात भी नहीं करती। सुमेश, बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, और अगर आपका प्यार सच्चा है ना तो वो ज़रूर आपके पास लौट कर आएगी। और इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं भी उनसे गुजारिश करती हूँ कि अब गुस्सा थूक दीजिए, इतना प्यार करते हैं सुमेश आपसे, हम मान जाइए ना। तो चलिए सुमेश, आपकी तरफ से ना ये खूबसूरत सा गाना मैं उनके लिए डेडिकेट करती हूँ। लड़ी जाला है लड़ी जाला हो लड़ी जाला, जब नैना सरकार तक कुछ ना निकला गे है, तक कुछ ना निकला गे। पवे में छाह लागे छाहिए में धूप रे, मन के मयूरा नाचे देखते रूप रे। धूपवे में छाह लागे छाहिए में धूप रे, मन के मयूरा नाचे देखते रूप रे, देखते रूप रे। मन के राजा
की राजा तुहार हमार तुहर बतिया मीठ लागे है हाँ तुहर बतिया मन हो जाला है मन हो जाला जब इलाचा तब कुछ ना निकला के है तब कुछ ना निकला के तुहर बतिया पूछौ ना नीक लागे है तोहर बतिया मीठ लागे। सुमेश, आई होप कि आपके दिल की बात अब उनके दिल तक पहुंच गई होगी और जरूर ही वो मान भी जाएंगे और आपके पास दोबारा आ जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला मैसेज आयल बा जमशेदपुर से भेजे वाला बाड़े मनीष वर्मा, और इन्होंने लिखा है कि लाख कोशिश करता हूँ लेकिन उसकी याद दिल से नहीं जाती, वो इतनी दूर है कि मिलना भी नहीं हो पाता, क्या करूँ समझ में नहीं आता। मनीष, होता है ऐसा भी होता है, जब आप किसी के प्यार में होते हैं ना तो आप कहीं किसी और ही दुनिया में होते हैं, यानी 2400 घंटे वो आपके दिलो दिमाग हर जगह छाया हुआ होता है। लेकिन प्यार में डूब कर इतना डूब जाना कि आपको कोई और सूझबूझ ही ना रहे, आप कुछ और सोच ही ना सके, ये भी तो गलत है ना। मनीष, यहाँ तो मैं ना सिर्फ आपको यही सलाह दूंगी कि जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनसे बस यही कह दीजिए, अपनी यादों से कहो कि छुट्टी दे दी एक दिन, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। और आइए सुनते हैं ये गाना, खूबसूरत सा गाना आपके लिए और आपके उनके लिए जिनसे आप प्यार करते हैं। Okay.
मनीष आई होप ये खूबसूरत सा गाना सुनने के बाद आपकी वो जिनके लिए आपने प्यारा सा मैसेज हमें भेजा था इश्क के इतवार में आपको एक छुट्टी तो दे ही देंगे। और लीजिए बज गई घंटी मतलब फिर हो गई लेको छोट से ब्रेक के वक्त, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए महुआ प्लस। वेलकम बैक और एक बार फिर से स्वागत बार हुआ सबके सोल मीट सोल यानी एसएमएस दिल से भी। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला एसएमएस जो मेरे पास है उसे भेजा है जहानाबाद से रोशनी ने। इन्होंने लिखा है कि आखिर ये प्यार क्या होता है, किसी को कैसे पता चलता है कि उसे प्यार हो गया है, वो किसी के प्यार में पड़ गया है। रोशनी अब तुम्हें क्या बताऊं कि प्यार क्या होता है, प्यार की एक अपनी परिभाषा है, हर लोगों ने इसे अपने अपने तरह से परिभाषित किया है। प्यार खुदा की एक खूबसूरत नियामत है, ये कैसे होता है, कब होता है, किससे होता है, क्यों होता है, और आपके सारे सवालों के जवाबों में मैं बस इतना ही कहूँगी कि दिल की बीमारी छुपाना इश्क है, दर्द को अपना बनाना इश्क है, खूबसूरत ख्वाब हर कोई हर घड़ी बेसबब आंखों में आना इश्क है। ऐ दिले नादा ना गम से हो उदास, दर्द सह कर मुस्कुराना इश्क है। तो रोशनी आई होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, प्यार की भरी भाषा आप समझ गई होंगी कि आखिर ये प्यार कैसे होता है, कब होता है, किससे होता है। और चलिए अब आपको प्यार की परिभाषा और समझाते हुए सुनाती हूँ ये खूबसूरत सा गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जेकरा मिल जाइबू मालामाल हो जाए, तू जेकरा मिल जाइबू मालामाल हो जाए, जेकरा के तज देबू, जेकरा के तज देबू कंगाल हो जाए, जेकरा के तज देबू कंगाल हो जाए, तू जेकरा मिल जाइबू माला माल हो जाए, तू जिकरा मिल जाइबू माला माल हो जाए, जिकरा के तज देबू कंगाल हो जाए, जिकरा के तज देबू कंगाल हो जाए, कंगाल हो जाए। हवा पानी पर्वत नभ झील फूल झरना से कुछ ना कुछ लेके सबसे कुदरत के हर रचना से, मेघ हवा पानी पर्वत नभ झील फूल झरना से कुछ ना कुछ लेके सबसे कुदरत के हर रचना से, निरख निरख के चुन चुन के हर अंग सजवले हुए हैं, रच रच के भगवान है फुर्सत से बनवले हुए हैं, फुर्सत से बनवले हुए हैं, जेकर उत्तर बनबू उ सवाल हो जाए, जेकर उत्तर बनबू उ सवाल हो जाए, जिकरा के तज देबू, जिकरा के तज देबू कंगाल हो जाए,
जाके तज देबू कंगाल हो जाई, कंगाल हो जाई। अपरंपार सुनरता कैसे अटी भला नौरस में, मुट्ठी में कुदरत के बांधल नहीं के अपना बस में। अपरंपार सुनरता कैसे अटी भला नौरस में, मुट्ठी में कुदरत के बांधल नहीं के अपना बस में। लोग इतना जाने का कही है उपमा कविता में, राज रंग रस छंद कबो नहीं के हमरा क्षमता में, नहीं के हमरा क्षमता में। बस इतना जानी तो से मन निहाल हो जाई, बस इतना जानी तो से मन निहाल हो जाई। जिगरा के तज देबू, जिगरा के तज देबू कंगाल हो जाई, जिगरा के तज देबू कंगाल हो जाई, कंगाल हो जाई। आई होप कि अब आप प्यार की परिभाषा को समझ गए होंगे और जल्द ही आपको आपका जीवन साथी भी ज़रूर मिलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मेरे पास जो अगला SMS आया है उसे भेजा है भोजपुर से अवलेंदु किशोर ने। इन्होंने हमसे पूछा है कि कहा जाता है कि दुनिया झूठी है, सिर्फ भ्रम है, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। और अगर ऐसा है और अगर दुनिया झूठी है तो फिर लोग दुनिया के पीछे पागल क्यों हुए रहते हैं। बहुत खूब अवलेंदु, आपने एक सवाल पूछा है। आपका जो सवाल है वो दार्शनिकों और संतों की विवेचना के लायक है, फिर भी मुझे जो लगता है कि वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। देखिए अवलेंदु, कहा जाता है कि दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है, अब अगर ऐसा है तो फिर उनकी बनाई हुई दुनिया कैसे झूठी होगी, फिर तो ईश्वर को भी झूठ मानना पड़ेगा ना। इसीलिए मुझे लगता है कि ईश्वर अगर सत्य है तो ये दुनिया भी सत्य है। देखिए मैं तब आपसे ना यही कहूँगी कि ना हमें दार्शनिक व्याख्याओं में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, जो है उसे एंजॉय करना चाहिए, जी भर के जीना चाहिए। जल चूड़ी थन कर कंगना मन गुनगुना रहलवा, अजब के नशा हमरा पिछा रहलवा, गजब के मजा हमरा के आ रहलवा। तो सांस में सांस मिला दिहलो, शोला के जैसे हवा दिहलो, पागल बना रहल बा। अजब के नशा हमरा पीछा रहल बा, गजब के मजा हमरा के आ रहल बा। Thank you.
अब ना रहे तनिको शर्म, धड़कन कहे आजा सनम। बहिया में हमके भर लाना, जी भर के प्यार तू कर लाना। जो बन सता रहलवा, अजब के नशा हमरा पीछा रहलवा, गजब के के चूमे दादा भवरानियन, झूमे दादा जब के नशा हमरा पिछा रहल बा, गजब के मजा हमरा के आ रहल बा। इश्क, मोहब्बत, प्यार तीनों एक ही तो चीज है, फर्क तो सिर्फ नाम का है ना। और लीजिए, बज गई ये घंटी, यानी आप दिल से बने रहिए एसएमएस दिल से के साथ। मैं बस आती हूँ उस छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट शो एसएमएस दिल से में, और मैं हूँ आपकी अंकिता थपलिया। दर्शकों, आपने सुना होगा कि इंसान चाहे कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, कभी ना कभी तो उसे भी प्यार का एहसास हुआ होगा। इश्क में उसका भी दिल तो धड़का होगा, और उसने भी प्यार में वफा की कसमें खाई होगी। लेकिन मान लीजिए, अगर वफा की कसम ना खाई तो क्या होगा? दरअसल ये बात इसीलिए कि अगला मैसेज कुछ इसी तरह का है। इसे भेजा है प्रत्यय ने गाजीपुर से। इन्होंने लिखा है कि वफा, चाहत क्या होती है? अगर प्रेम में वफा ना हो तो क्या होगा? प्रत्यय, आपके सवाल का ना मैं कुछ इस तरह से जवाब देना चाहूंगी, और सोच रही हूँ कि क्या कहूँ। प्रेम में अगर वफा ना हो तो चाहे कुछ भी हो, प्रेम तो नहीं होगा। बिना वफा के प्रेम की कल्पना भी मुश्किल है। जब आप किसी से इश्क में पड़ते हैं तो उसके लिए कुछ भी करने का हौसला रखते हैं, उसे अपना बनाने और उसका हो जाने की ख्वाहिश रखते हैं। यही तो चाहत है, वफा है, और इसी से प्रेम का पता चलता है। जान लीजिए, बिना वफा के प्यार में बेवफाई भी नामुमकिन है। और ये अगला गाना आपके लिए। फूलवा के देख पागल चुमुक बाटे, कौन चुमुक बाटे तोहरा भीतरिया करेला मन सट जायो, कौन चुमुक बाटे तोहरा भीतरिया करेला मन सट जायो। लेवता पठावे लागल धन
गली का चनार देखी कुहू के करे जा चैना करार लिहलू आवा दिल ले जा टप प्रेम रस टप के सजनिया टप टप प्रेम रस टप के सजनिया पी के उलोट जाई हो कौन चुमुक बाटे कौन चुमुक बाटे तोहरा भितरिया करेला मन सोट जाई हो बड़ा भोला बड़ा हम रोसवरिया ओ, ये हर थोड़ी देर बाद टाए 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 समझ गए ना वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का कहीं जाएगा नहीं देखते रहिए महुआ प्लस पर अपना खास और फेवरेट शो SMS दिल से वेलकम बैक और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट शो SMS दिल से में और मैं हूँ अंकिता थपलिया। फ्रेंड्स आज के शो में आपके भेजे गए प्यारे प्यारे मैसेजेस में पढ़ रही हूँ और आपके दिल की बात उनके दिल तक पहुँचा रही हूँ साथ ही सुना रही हूँ आपको खूबसूरत नगमे। और आइए आगे बढ़ते हैं ये मैसेज भेजा है हमें नीलेश त्रिपाठी ने सासाराम से। इन्होंने कुछ शायराना अंदाज में लिखा है, लिखते हैं भूलोगे तुम कैसे हम याद आएंगे लेकिन क्या हम तुम्हें यूं ही भूल जाएंगे। साथ गुजारे ना हो हमने कुछ पल फिर भी तुम मेरे हर लफ्जों में नजर आओगे। क्या बात है नीलेश, मिजाज तो आपका मुझे कुछ शायराना लगता है लेकिन आपकी शायरी से मुझे आपके दिल के दर्द का भी पता चलता है। मैं आपके लिए ये शेर अर्ज करना चाहूंगी, जब भी तन्हा मुझे पाते हैं गुजरते लम्हे तेरी तस्वीर सी राहों में बिछा जाते हैं। मैं की राहों में भटकता ही चला जाता हूँ, मुझको खुद मेरी ही निगाहों में छुपा जाते हैं। और आइए सुनते हैं गाना आपके लिए। जहिया से दिहल नजरिया सने वाता जहिया से दिहल नजरिया सने वाता तहिया से मन पगलाइल बा तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिलवा बेचारा दबाइल बा दिलवा बेचारा दबाइल बा तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिलवा बेचारा दबाइल बा दिलवा बेचारा दबाइल बा के देहिया में होता वे फीलिंग लागे की कुछ हेराइल बा तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिलवा बेचारा दबाइल बा दिलवा बेचारा दबाइल बा
तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिलवा बेचारा दबाई लेबा, दिलवा बेचारा दबाई लेबा। जब से सुरहवा के बॉर्डर बस में जवानी के न फाइल बा, तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिलवा ही बच्चा दबाइल बा, दिलवा बेचारा दबाइल बा। तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिलवा बेचारा दबाइल बा, दिलवा बेचारा दबाइल बा। उम्मीद है इस गाने के जरिए आपके दिल की बात उनके दिल तक जरूर पहुंची होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं, हाल दिल बयां करना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए, तुरंत फोन उठा लीजिए, टाइप कीजिए SDS स्पेस दीजिए, टाइप कीजिए अपना मैसेज और उसे भेज दीजिए 58888 पर। और ध्यान रखिए, आपके मैसेजेस में से हो सकता है कोई मैसेज ऑफ द वीक और आप बन सकते हैं लकी विनर। मैसेज ऑफ द वीक और लकी विनर की घोषणा हम अपने इस प्रोग्राम में ही करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, बाय बाय, गुड बाय टू ऑल।